दिस न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय प्रिंट मोगो, जहां आपको मिलता है ऑल टाइप कॉर्पोरेट प्रिंटिंग सॉल्यूशन लाइक टी शर्ट प्रिंटिंग, मग प्रिंटिंग, स्टिकर प्रिंटिंग इत्यादि। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार, और वक्त हो चुका है दिन भर के बड़ी खबरों का। और बड़ी खबरों में पहले नंबर पर है, इंडोनेशिया में हाल ही में आई सुनामी के बाद एक बार फिर से विशेषज्ञों ने लोगों को उस जगह नहीं जाने की हिदायत दी है जहां पहले सुनामी आई थी, क्योंकि वहां पर अभी भी ज्वालामुखी सक्रिय है। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह इंडोनेशिया में सुनामी आई थी जिसमें 429 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और बड़ी खबरों में दूसरे नंबर पर है, सऊदी अरब ने इस साल के खत्म होने से पहले महिलाओं की आज़ादी को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए महिलाओं को स्टेडियम में एंट्री और ड्राइविंग लाइसेंस जैसी सुविधाएं देने के लिए अपने नियमों में बदलाव किया है। इसके अलावा दुनिया के लिए 2019 से टूरिस्ट वीजा भी देने का ऐलान किया है। और बड़ी खबरों में तीसरे नंबर पर है, मेघालय की कोयला खदान में कई दिनों से फंसे 15 मजदूरों के बहाने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर एक बार फिर से निशाना साधते हुए दावा किया कि इन मजदूरों को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने बचाव कार्य के लिए जरूरी हाई प्रेशर पंप की व्यवस्था करने से इनकार कर दिया और खुद बोगीबिल पुल पर पूछ दे रहे हैं। और बड़ी खबरों में चौथे नंबर पर है, आरजेडी नेता और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव के साथ रिश्तों में दरार की खबर को निराधार बताते हुए कहा कि उनकी लड़ाई किसान, महिलाओं, नौजवानों को ठगने वालों, जन विरोधी सरकार से है और वह इस लड़ाई को हर हाल में जीतेंगे। और बड़ी खबरों में पांचवें नंबर पर है, उत्तर प्रदेश की घोसी लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद हरि नारायण राजभर ने अयोध्या में राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान देते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रामलला को आवास देने की मांग की और कहा कि प्रभु श्री राम त्रिपाल में हैं, उन्हें ठंड लगती है, वह बारिश में भींगते हैं, इसलिए उन्हें घर मिलना चाहिए। और बड़ी खबरों में छठे नंबर पर है, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 2019 लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के लिए तेलंगाना के सीएम केसीआर के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि संघीय मोर्चा बनाने के लिए वह केसीआर से मिलने के लिए हैदराबाद जाएंगे। इसके साथ ही भाजपा और कांग्रेस को थैंक्स कहते हुए बताया कि दोनों पार्टियों के रुख ने उनका रास्ता आसान कर दिया है। और बड़ी खबरों में सातवें नंबर पर है, 2019 लोकसभा चुनाव से पहले अपनी सरकार के कामकाज और उपलब्धियों को जनता के सामने रखने के लिए मोदी सरकार एक ऐप बना रही है जिसके जरिए जनता सरकार की सभी योजनाओं के बारे में जान सकेगी। और आपको बता दूं कि नए साल की शुरुआत से ही यह ऐप जनता के लिए उपलब्ध हो जाएगी। और बड़ी खबरों में आठवें नंबर पर है, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भाजपा पर एक बार फिर से निशाना साधते हुए दावा किया कि एनडीए में शामिल दलों के धीरे धीरे अलग होने से मोदी सरकार बेहद दबाव में है, इसलिए उसे सहयोगी दलों के सामने झुकना पड़ रहा है। और बड़ी खबरों में नौवें नंबर पर है, राष्ट्रगान गाने को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए पंजाब नेशनल बैंक ने फैसला किया है कि अब से बैंक की हर सालाना आम बैठक और असाधारण आम बैठक में राष्ट्रगान गाया जाएगा। बैंक ने इसके पीछे का मकसद बताते हुए कहा कि इसका मकसद प्रमुख निर्णयों पर शेयर धारकों की मंजूरी लेना है। और बड़ी खबरों में दसवें नंबर पर है, NIA ने देश में ISIS के नए मॉड्यूल हरकत उल हर्ब ए इस्लाम का खुलासा करते हुए दिल्ली और यूपी के कई जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी कर 10 संदिग्धों को गिरफ्तार किया और इस बात का भी खुलासा किया कि इस संगठन ने पश्चिमी यूपी में आतंकी वारदातों को अंजाम देने की जिम्मेदारी ली थी। और बड़ी खबरों में 11वें नंबर पर है, हनुमान जी की जाति पर टिप्पणी को लेकर शंकराचार्य स्वामी अध्यक्षानंद ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला करते हुए उनके बयान को देश का सौहार्द बिगाड़ने वाला बताया और कहा कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को देवी देवताओं का अनादर करने वाली बयानबाजी पर रोक लगानी चाहिए। और बड़ी खबरों में 12वें नंबर पर है, उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत ने राज्य में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना का शुभारंभ करते हुए कहा कि राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इस योजना के लागू होने से उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां सभी प्रदेशवासियों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुरक्षा दी जा रही है। और बड़ी खबरों में 13वें नंबर पर है,
मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार में मंत्री पद नहीं दिए जाने से नाराज कांग्रेसी विधायक हीरालाल अलावा ने कांग्रेस पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी से मिलने का समय मांगा है और उनका कहना है कि उसके बाद वो अपने आगे की रणनीति पर विचार करेंगे। और बड़ी खबरों में 14वें नंबर पर है, कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खास रहे बिहार के मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने मुंगेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए कहा कि वह चुनाव इसी सीट से लड़ेंगे, फिर सामने चाहे कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे अभी ये साफ नहीं हो पाया है। और बड़ी खबरों में 15वें नंबर पर है, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जजों की नियुक्ति के लिए एससी एसटी वर्ग को आरक्षण देने को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि यूपीएससी के माध्यम से एंट्रेंस एग्जाम के जरिए न्यायिक सेवा में एससी एसटी को आरक्षण दिया जा सकता है। और बड़ी खबरों में 16वें नंबर पर है, 2019 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मोदी सरकार किसानों को बड़ी राहत देने के कदम के तहत किसान क्रेडिट कार्ड से बिना किसी जमानत के दिए जाने वाले लोन की सीमा को बढ़ाने जा रही है। और बड़ी खबरों में 17वें नंबर पर है, सांसद निधि के इस्तेमाल को लेकर केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने एक डाटा जारी करते हुए दावा किया है कि साल 2014 से 543 लोकसभा क्षेत्रों में से केवल 35 लोकसभा क्षेत्रों के सांसदों ने अपने निधि का इस्तेमाल कर स्वीकृत प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। इसका मतलब यह है कि बाकी के सांसदों ने अपने निधि का इस्तेमाल ही नहीं किया। और बड़ी खबरों में 18वें नंबर पर है, AIMIM के अध्यक्ष सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने नोएडा के पार्कों में नमाज पढ़ने पर रोक लगाने को लेकर यूपी पुलिस पर कड़ी टिप्पणी करते हुए आरोप लगाया कि पुलिस कामारियों पर फूल बरसाती है और मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोकती है। और बड़ी खबरों में 19वें नंबर पर है, राम मंदिर मामले में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि अगर केंद्र सरकार अयोध्या में राम मंदिर पर अध्यादेश लाती है तो वह इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। और बड़ी खबरों में 20वें नंबर पर है, बाबा रामदेव ने 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि वर्तमान में देश के राजनीतिक हालत बेहद मुश्किल में है, ऐसे में प्रधानमंत्री कौन बनेगा इसको लेकर कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल काम है। और बड़ी खबरों में 21वें नंबर पर है, बिहार से भाजपा के राज्यसभा सांसद गोपाल नारायण सिंह ने पीएम मोदी को बिहार में पार्टी का मुख्य ब्रांड बताते हुए बीजेपी और जेडीयू की तुलना को खारिज कर दिया और कहा कि दोनों ही बराबर के भागीदार हैं। और बड़ी खबरों में 22वें नंबर पर है, सरकार में आते ही राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा एक्शन लेते हुए 68 आईएएस ऑफिसरों का तबादला कर दिया है, जो दिखाता है कि वो किस तरीके से तानाशाही कर रहे हैं। और बड़ी खबरों में 23वें नंबर पर है, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति करने और मतभेद पैदा करने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि देश के दूसरे हिस्सों के मुकाबले गुजरात राज्य में रहने वाले मुसलमानों की स्थिति सबसे ज्यादा बेहतर है। और बड़ी खबरों में 24वें नंबर पर है, लोकसभा चुनाव के लिए क्षेत्रीय दलों का गठजोड़ बनाने की कवायद को आगे बढ़ाने के मकसद से टीआरएस के अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव दिल्ली में आज सपा बसपा सहित सामान्य विचारधारा वाले अन्य दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। और बड़ी खबरों में 25वें नंबर पर है, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पी चिदम्बरम ने जीएसटी की दर में प्रस्तावित बदलाव को लेकर मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जीएसटी की मानक दर से जुड़ी कांग्रेस की मांग पहले खराब विचार हुआ करती थी, लेकिन अब वही इस सरकार का घोषित लक्ष्य बन गई है। और बड़ी खबरों में 26वें नंबर पर है, अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय और नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने उपहारों के लेने देने को लेकर एक किए गए शोध के जरिए दावा किया है कि किसी को भी कुछ देने का आनंद कभी खत्म नहीं होता और दूसरों को अक्सर उपहार देते रहने की प्रवृत्ति आपको लंबे समय के लिए खुशहाल बनाए रखती है।
और बड़ी खबरों में 27वें नंबर पर उन लोगों के लिए अच्छी खबर जो सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं। उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन की ओर से विभिन्न वर्गों के लिए 1615 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योग्य उम्मीदवार 8 जनवरी तक ऑफिशियल वेबसाइट rd.up.nic.in/upsrlm.html पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और बड़ी खबरों में 28वें नंबर पर है, बॉल टेम्परिंग के चलते बैन झेल रहे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी कैमरॉन बैनक्राफ्ट ने आज खुलासा किया कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच के दौरान टेम्परिंग के लिए उन्हें डेविड वार्नर ने उकसाया था। इसके साथ ही बैनक्राफ्ट ने यह भी कहा कि उन्होंने यह सब टीम में अपनी जगह बनाने के लिए किया था। और बड़ी खबरों में 29वें नंबर पर है, दबंगल अभिनेत्री फातिमा सना शेख ने एक्टर आमिर खान के साथ उनके रिश्तों को लेकर फैली अफवाह पर बयान देते हुए कहा कि ये एक बेवकूफाना हरकत है क्योंकि उनके बीच इस तरह का कोई भी रिश्ता नहीं है। और बड़ी खबरों में 30वें नंबर पर है, शिवसेना संस्थापक बाला साहब ठाकरे की जीवनी पर आधारित अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म ठाकरे का ट्रेलर आज रिलीज होने जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही इस फिल्म को लेकर एक खबर यह भी है कि यह फिल्म सेंसर बोर्ड में अटक चुकी है। नई दिल्ली के मावलंकर हॉल में अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती पर वैश्विक प्राकृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में किसानों की समस्या, प्रदूषण से निजात, जल संरक्षण जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए इसके समाधान पर चर्चा की गई। आइए देखें हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार की ये रिपोर्ट। शरीक बहुत ही बढ़िया और एक स्तरीय सेमिनार रहा और बहुत ज़रूरत है जल को बचाने की और पर्यावरण को बचाने की। कहते हैं कि जल है तो कल है, जब तक जल नहीं होगा तो कल हमारा कोई भविष्य सुरक्षित नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम धारणा शर्मा है, मैं एक कंप्यूटर टीचर हूँ DAV स्कूल में और इस कार्यक्रम में शामिल होके मुझे कई तरीके की ज्ञानवर्धक बातों का भी पता चला। वाटर इज़ अ इशू इन आर कंट्री और वाटर मैनेजमेंट के लिए हम लोग सभी बात करते हैं अलग अलग तरीके से। हम लोग बच्चों के कई प्रोग्राम कराते हैं अपने स्कूल में जिसमें हम उन्हें वाटर कंजर्वेशन के तरीके बताते हैं, छोटी छोटी आदतों को सुधारना, और ये चीज़ें हमारे अपने बेसिक लेवल से शुरू होती हैं। अगर हम कोई भी काम करना चाहते हैं हम जनरली उस चीज़ के लिए कहते सरकार ये नहीं करती, सरकार ये नहीं करती, लेकिन हर काम की शुरुआत हमारे अपने बेसिक लेवल पे शुरू होती है। कोई भी हमारी मदद तब तक नहीं कर सकता जब तक हम ना चाहें। मैं रमेश, मेरा नाम है जी। जी, कहाँ से आए? और मैं छतरपुर से आया हूँ। क्या बात है? हाँ जी, बड़ा मंदिर है। बड़ा मंदिर, हाँ जी, वही रहता हूँ जी। मैं अपनी बीती कहना चाहता हूँ, मैं अपने दुखी दिल से कैसे कहूँ मेरा भारत महान। मकान का किराया देते देते मेरी निकली जा रही जान, महीना नज़दीक आते आते मेरे सूख जाते हैं प्राण। नेताजी वोटिंग के टाइम पे बार बार देते हैं ज्ञान, नेताजी कहते हैं दे दो हमको वोट का दान, हम देंगे आपको मकान। नेताजी आपके डायलॉग सुन सुन के हमारे पक गए कान, पर आपकी सच्ची नहीं है जवान, न सच्चा है आपका ईमान, हकीकत तो ये है कि आप हो बेईमान। फिर मैं कैसे कहूँ मेरा भारत महान, पर पाप तो सोने वालों की सैकड़ों की चली जाती है जान, क्योंकि गाली घुमा देगा सलमान खान या कोई श्रीमान। पर पाप तो सोने वाला भी एक इंसान, उसके अंदर भी है जान, उसके भी से कुछ अरमान कि मेरे पास भी होगा एक मकान। मुझे पत्थर ना समझो, मैं भी तुम्हारे जैसा हूँ एक इंसान। मैं कैसे कहूँ मेरा भारत महान। महोत्सव आयोजन करने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि हम सोसाइटी के जो डिफरेंट स्टेक होल्डर हैं उनको ये मैसेज दें कि एनवायरनमेंट को लेकर जो आज उदासीनता सरकार के द्वारा, सामाजिक संगठनों के द्वारा और यहाँ तक कि इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और इंडस्ट्री एसोसिएशन के द्वारा जिस तरीके से पर्यावरण को लेकर हाशिए पर सेकेंडरी ऑब्जेक्ट के रूप में सोचा जा रहा है, ये मामला इतना ज्वलनशील है कि आने वाले समय में आज दिल्ली में देख लीजिए आप कि ठंड के दौरान लोगों में इस तरह की भयानक बीमारियाँ हो रही हैं कि लोगों को सांस लेना मुश्किल है। ये क्या है? ये ग्लोबल वार्मिंग है, प्रकृति को लेकर लोगों का जो छेड़छाड़ है, परिस्थितिक तंत्र के साथ जो खिलवाड़ है, इन सबों का अभी आप एक स्पेसिमेन देख रहे हैं और आने वाले समय में ये काफ़ी भ्रामक स्थिति में होगी। अभी अगर हम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इंडिया में रहने वाले लोगों का एवरेज एज 65 तक हम लोग पहुँच चुके हैं।
तो ये साइंस एंड रिसर्च से हम पहुंचे हैं, और हमारे देश की जो मीडिया है उस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन मीडिया में साइंस रिसर्च से रिलेटेड चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रमुखता नहीं दी जाती है, जो मेन स्ट्रीम के मीडिया हैं या जिस मीडिया का रीच है। तो इस तरह से मीडिया के एक खास वर्ग हैं जिनसे मैं आग्रह करूँगा कि पर्यावरण को लेकर जिस तरह आज आप सेंसिटिव हैं, इस उद्देश्यों को जन जन तक पहुँचाएँ कि किस तरह पर्यावरण हमारे स्वास्थ्य के लिए, इस प्रकृति के लिए, हमारे लाइफ के लिए, हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए, किस तरह पर्यावरण ज़रूरत है हमारी और उसके बिना हम नहीं जी सकते। अपना परिचय देते हुए सर बताएं। मैं चिरंजीत कुमार शर्मा इंटीग्रेटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स का राष्ट्रीय सचिव हूँ। आज इन्होंने मुझे यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन के ऊपर बुलाया था, थोड़ा नीचे, क्योंकि हमारी इंटीग्रेटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स काफ़ी वाटर कंजर्वेशन के ऊपर कंसंट्रेटेड है, और हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे चलाने जा रहे हैं और चला रहे हैं जिसके अंदर वाटर कंजर्वेशन किया जा सके, और समाज को, आने वाले समाज को जो जो इसकी वजह से प्रॉब्लम आएंगी उससे आज के दिन हम अगर लड़ लेंगे तो शायद आने वाली जो पीढ़ी है उससे हमें बचा सकें। संत कुमार, भारतीय विद्यापीठ असिस्टेंट प्रोफेसर। वैश्विक प्रकृति महोत्सव, जब भी इस तरह की महोत्सव की बात होती है तो बहुत बड़ी लगता है कि कितनी बड़ी चिंता का विषय है, और वे वास्तव में बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि आगे बढ़ने की होड़ में हम कितने पीछे रह गए। हम विकास की बात करते हैं कि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं तो कितने पीछे रह गए। ठीक है, अभी मैंने इन्वायरमेंटल साइंस पे एक बुक लिखी थी, उसमें एक चैप्टर था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम नेचुरल रिसोर्स की बात करते हैं, प्रकृति संसाधन की बात करते हैं, और फिर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या है कि जो नेचुरल रिसोर्स है आने वाले जनरेशन के लिए भी इनको बचा के रखना है। सारा का सारा हमें, अगर हम कंज्यूम करते हैं तो आने वाले जनरेशन हमें गालियों के अलावा और कुछ भी नहीं देगी, और वो कैसे जिएंगे। ठीक है, इसलिए आने वाले जनरेशन के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट को फॉलो करना पड़ेगा, और फिर तब जाके ये वैश्विक प्रकृति महोत्सव जो है, इस तरह की महोत्सव की जो परिकल्पना है वो साकार हो पाएगी, अदरवाइज ये सिर्फ परिकल्पना और कल्पना बन के ही रह जाएगी। मैं पूनम माचिया हूँ, और लिखना पढ़ना मेरा काम है, और आज हम ग्लोबल प्रकृति महोत्सव के तत्वधान में अटल बिहारी वाजपेयी जी और सुमित्रा नंदन पंत जी के काव्य पर चर्चा करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे, कुछ काव्य पाठ भी करेंगे। लेकिन जहाँ तक बात होती है प्रकृति की, तो कविता के माध्यम से मैं प्रकृति के प्रति जो जन जागरण है उसमें अपना योगदान देती रहती हूँ। जी बिल्कुल लिखा है, जैसे ये कहते हैं ना कि पेड़ पौधे काटे हम क्यों समझते ही नहीं, गलतियों का फल भी हम फिर भुगतते हैं यही। तो हम जब खुद काटते हैं पेड़, और इतनी लोग जो है बिल्डिंगों के बिल्डिंग ही से बिल्डिंग बढ़ाते चले जा रहे हैं और पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं, वातावरण और पर्यावरण के बारे में कोई सोचता नहीं। और साथ ही साथ स्वच्छता अभियान के बारे में भी मैं कहती हूँ, खासकर बच्चों को मैं संबोधित करते हुए कहती हूँ कि बच्चों पूनम लगाए गुहार, कूड़ा डालो बिन में हर बार, और खाओ चॉकलेट टॉफी जितनी बार, आइसक्रीम से भी कर लो प्यार, पर छिलके रैपर ढक्कन खाली, सड़क पे फेंकना गलत व्यवहार, बच्चों पूनम लगवाए गुहार। मैं गुरुजी भू, यहाँ जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है ये विश्वमित्र परिवार और प्रकृति परिवार की तरफ से कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम को प्रकृति पर्यावरण से संबंधित हमने जोड़ा, और इसमें किसानों की मुख्य भूमिका को आज हमने रखा। किसान जब हमारे बीच में है, और किसान को मैं अपनी तरफ से आज एक नया नारा पहले से ही मैं देता आया हूँ, किसान धरती का भगवान है जो हमें अन्न देता है, जो हमारा अन्नदाता है, और किसान जो है वो धरती का भगवान जो है वो परेशान है आज, तो मैं नहीं समझता कि हम लोग सब सुखी रह सकते हैं। अगर हमारा किसान दुखी है, परेशान है, तो इसका मतलब हम लोग सब दुख को उसको बांटने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। आज के समय में क्या मानते हैं, जिस हिसाब से प्रकृति या पर्यावरण को हम ही नुकसान पहुँचाते हैं, उससे जागरूक होने की ज़रूरत है, और इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहें? देखिए, ये जो कार्यक्रम है ये एक ऐसा अनूठा कार्यक्रम है कि आमतौर से लोग बात तो बहुत करते हैं कि हमको प्रकृति को बचाना चाहिए और हमको एनवायरनमेंट को भी बचाना चाहिए, पर उसके साथ साथ उसका जो है विकल्प नहीं निकालते हैं।
इस फंक्शन का, क्यों मैं इसे भू जो आपके भू त्यागी जी हैं और उनकी पत्नी डॉक्टर भवन त्यागी, इन लोगों से मैं जुड़ा हुआ हूं और मैंने एक चीज़ एहसास किया है कि इनकी कोशिश यह होती है कि ऐसे वैज्ञानिकों को बुलाया जाए जो कि ये तरीका बताएं कि किस तरह से इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखा जाए। आज प्राकृतिक महोत्सव और जैविक खेती के संदर्भ में यहाँ एक वर्कशॉप हुआ और मैं लातूर लोकसभा महाराष्ट्र से सांसद हूँ। आज के इस कार्यक्रम में दिन भर तो इस विषय को लेके वर्कशॉप हुआ है, लेकिन अभी आज परम पूजनीय अटल जी की जयंती है, इस जयंती के अवसर पर एक कवि सम्मेलन का भी आयोजन यहाँ पे किया है। मैं इस ऑर्गेनाइज़र को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित किया है। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें, और ऐसे ही खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।